आज हमारा ये अभी आपके सामने कोलकाता में हादसा हुआ है हमारी बहन के साथ, डॉक्टर नविता के साथ, उसको ही श्रद्धांजलि दी जा रही है MIM के बैनर तले। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बलात्कारियों के खिलाफ एक ऐसा कानून बनाना चाहिए कि अगर कोई इंसान किसी की बहन बेटी के बारे में इस तरीके का विचार अपने दिमाग में लाता भी है तो उसे 1000 बार सोचना पड़े। जितने भी लोग इसके अंदर शामिल थे सबको फांसी की सजा हो, हमारी मांग की फांसी की है, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और फांसी हो। आपका? मेरा नाम साहिल प्रधान है। साहिल प्रधान जी, आजा तो। आज किस चीज में आप जो है ना किस वजह से जो है कैंडल मार्च निकाल? देखिए जो कैंडल मार्च है हमारा ये अभी आपके सामने कोलकाता में हादसा हुआ है हमारी बहन के साथ, डॉक्टर नविता के साथ, उसको ही श्रद्धांजलि दी जा रही है MIM के बैनर तले। क्या कहना चाहेंगे कि जो कातिल है उनके लिए? आप कातिलों के लिए ये कहना चाहूंगा कातिलों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और हमारी हिंदुस्तान की सरकार को, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बलात्कारियों के खिलाफ एक ऐसा कानून बनाना चाहिए कि अगर कोई इंसान किसी की बहन बेटी के बारे में इस तरीके का विचार अपने दिमाग में लाता भी है तो उसे 1000 बार सोचना पड़े। इस तरीके का कानून होना चाहिए और ये जो घटना हुई है इनको जितने भी इसके अंदर हैं, जितने भी लोग इसके अंदर शामिल थे सबको फांसी की सजा हो, हमारी मांग की फांसी की है, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और फांसी हो। ऐसे लोगों को खुला छोड़ दिया जाता है, इससे और लोगों को विश्वास मिलता है, कुछ नहीं होता, जेल चले जाते हैं, 2-3 महीने में छूट कर बाहर आ जाते हैं। तो आपका क्या कहना है कि ऐसे दोषियों को जो है एक निर्धारित सजा देनी चाहिए? कड़ी से कड़ी सजा। अगर कोई आगे इस तरीके की कोई घटना करने के बारे में सोचे भी तो वो 1000 बार सोचे कि भाई मेरे साथ इसका एंड क्या होगा। अच्छा, 21 तारीख को भी जो है भारत बंद की घोषणा की जा रही है, वो एक वायरल हो रहा है, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे कि 21 तारीख को भी क्या आप इस तरीके का कुछ प्रदर्शन करेंगे? हाँ, जरूर करेंगे। अगर भारत बंद है तो हम जरूर इस तरीके का प्रदर्शन करेंगे अपनी टीम के साथ मिलकर। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नीश और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।